हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस नई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में टाइमर नहीं लगाता हूं क्योंकि मुझे पता है आपका समय कितना कीमती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, महासभा नियमित रूप से कब मिलती है? आपके ऑप्शन दोस्तों, पहला महीने में एक बार, ऑप्शन दूसरा हर तीन महीने के बाद, या इसी वर्ष में दो बार, या साल में एक बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, साल में एक बार। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन, पहला 1948, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1963, ऑप्शन डी 1971। दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ना कर रखा हो तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं ऐसे ही जीके के क्वेश्चन डालता रहता हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 1954। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स को किसका आविष्कार माना जाता है, आविष्कारक माना जाता है सॉरी दोस्तों। ऑप्शन ए गुब्बारा, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन सी विमान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विमान। राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया। तो अगला है चौथा सवाल दोस्तों, भारत में पहली ओपन हार्ट सर्जरी के संचालक की तिथि क्या थी? आपके ऑप्शन, पहला 6 जुलाई 1959, ऑप्शन बी 12 अगस्त 1991, ऑप्शन सी 20 जून 1990, या ऑप्शन डी 11 जनवरी 1985। तो इस साल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 जुलाई 1959। तो चलिए अगले साल की तरफ चलते हैं। अगला है पांचवा सवाल, एक इलेक्ट्रिक स्टोव का तत्व बनाया किससे बनता है दोस्तों? पहला तांबा से, या फिर इन्वर्ट से, या मैग्नीशियम से, या ऑप्शन डी निक्रोम से। इलेक्ट्रिक स्टोव किससे बनता है दोस्तों? आपको सवाल समझ में आया ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक स्टोव निक्रोम से बनता है। इलेक्ट्रिक स्टोव ये होता है दोस्तों, इसकी फ़ोटो देख लीजिए। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है सिक्स्थ सवाल, एक युवा पुरुष मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? आपके ऑप्शन, 110/70, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 135/90, ऑप्शन डी 140/100। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों कि वह पुरुष मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होगा। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो उसका ब्लड प्रेशर हाई या लो है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों। सेवन्थ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन, पहला जे जे थॉम्सन, ऑप्शन बी जे कैपलर, ऑप्शन सी डी रदरफोर्ड, या डी जेम्स चैडविक। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की पहचान सबसे पहले जे जे थॉम्सन ने की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आठवां क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? आपके ऑप्शन, पहला खान अब्दुल गफ्फार खान, या ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी सीवी रमन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है दोस्तों? आपके ऑप्शन, पहला कैलोरी में, या दूसरा केल्विन में, या ऑप्शन सी बूसल में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में नापा जाता है। तो चलिए अगले और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। अगला बहुत आखिरी सवाल बहुत ही ट्रिकी सवाल है दोस्तों। भले ही वह भूख से मर जाएं परंतु आर्कटिक में रहने वाले पेंगुइन का अंडा नहीं खाएंगे, जानते हैं ऐसा क्यों? इसका जवाब सवाल में ही, सवाल के अंदर ही छुपा हुआ है दोस्तों। अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए और इसका जवाब बताइए। अगर आपको पहले से पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आर्कटिक में कोई पेंगुइन नहीं है, वे अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आप इन सवालों को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में।